वेलकम करता हूँ आपका चैनल AK प्लांट नर्सरी में। दोस्तों आज मैं आम के बारे में कुछ जानकारियाँ बताऊँगा। ये देख सकते हैं ये 4 से और 5 फीट के बीच में ही आम की कलम है और ये 8-9 के बैग में लगा हुआ है। देख सकते हैं आप कलम करने की ग्रो के बारे में बताऊँगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको पता चल पाए नई वीडियो का, और वीडियो लास्ट तक देखें। आप देख सकते हैं ये जो कलम बंधी हुई है इसका ग्रो करने का तरीका बताऊंगा। ये जो कलम बांधी जाती है इसके यहाँ पर जो फुटेर होती है उसको तोड़ दी जाती है ताकि वो जो पौधा है उसकी ग्रो में कोई दिक्कत नहीं आए और पौधा अच्छा चल पाए। किसी भी पौधे की आप कलम के नीचे जो फुटेर होती है, जो फुटेर करनी शुरू करता है, उसको तोड़ देते हैं। ये देखिए इस पौधे में कलम से नीचे निकल रही है ये, जो इसको ये तोड़ दी जाती है ताकि इसका जो ग्रो करने का वो होता है, सारी जो ग्रो होती है वो इस पर आ जाती है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो इन पौधों की हमने तोड़ रखी हैं सारी। किसी किसी पौधे में रह गई है, ये दोबारा निकल आई है। ये बहुत जल्दी से काफ़ी निकलता है तो इसको तोड़ दी जाती है। और ये इस पौधे पर अब मोल आना शुरू हो जाएगा तो आप भी कोई आम के प्लांट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं। और एक पौधे पर आपको हम आम भी दिखाएंगे लगे हुए, देख सकते हैं ये पौधा, और इसकी हाइट भी 2 से 2.5 फीट की है। देख सकते हैं आप इस पर आम आ रहे हैं तो सभी पौधों पर अब आम आने शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ख्याल रखें कि जो ये देसी होता है इससे ना निकलने दें ताकि जो पेड़ का बढ़ने का वो होता है वो इस पर कलम पर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और आम भी उसका जो कलम होती है यहाँ पर नीचे निकलती है, इसको हम तोड़ते हैं तो वो देसी होती है, उस पर आम भी नहीं आता जल्दी से, और वो तो होती है देसी होती है, और इससे यहाँ से कलम से ऊंचा ऊपर को जो आम आता है उस पर आम आता है बहुत जल्दी। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान रखें, इस वीडियो को आप पूरी देखें।